पूज्य नहीं माता और बंधुओं, अब एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट को याद करेंगे, ध्यान करेंगे उनका। हमारा रास्ता ध्यान योग, ध्यान योग का है और ध्यान को कैसे अपनी ज़िंदगी में जोड़ते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे जुड़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे इस रास्ते के अंदर, कैसे अपने जीवन को सफल बनाएंगे, बहुत ज़रूरी है जानना। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा देश जो है आध्यात्मिक देश है और हमारे देश में 99% लोग ऐसे हैं जो परमात्मा को मानते हैं और अपने किसी ना किसी ढंग से परमात्मा का पूजन पूजा करते हैं। तरीके अलग अलग हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं और हर 20 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है और परमात्मा का स्वरूप बदल जाता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है, बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। कितना सुंदर परमात्मा ने ये योनि हमको दी। परमात्मा की साया जब से पैदा हुए तब से हमारे साथ है और जब हम इस जहान को छोड़ के जाएंगे तब भी हमारे साथ है। समझने की ज़रूरत है कि कैसे परमात्मा की कृपा जन्म से अंत तक हमारे साथ है और ये मनुष्य जीवन के अंदर ही समझा जा सकता है और कोई योनि ऐसी नहीं है जो समझा सकती हो। परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर कर्म को मनुष्य योनि प्रदान की। सबसे बड़ी देन और हमारे सामने हमारे कर्म जो हम पहले जन्म में करके आए, कितने जन्मों के सत्कर्म हैं हमारी आत्मा के साथ, वो ये प्रदर्शित करता है कि हमको परमात्मा ने फ्री कर दिया। बिल्कुल सब कुछ किया जा सकता है और जो आज कर रहे हैं उसका फल वो आगे प्राप्त करेंगे। तो इसलिए जिस कर्म को पहले करके आए अगर उसी कर्म को बढ़ाएंगे हमारा जीवन बड़ा सुंदर और ये जीवन क्या अगले जो जीवन होंगे वो भी बड़ी सुंदर और सुखद पूर्ण व्यतीत होंगे। ये तो हो गए, प्रेजेंट विल बी वेरी गुड। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हम मंदिर जाते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं, ये पहले तरीके की पूजा है, फर्स्ट स्टेप ऑफ पूजा। मंदिर जाना, भगवान जी को जल चढ़ाना और भगवान जी को निलाना, उनके कपड़े बनाना, भक्ति भाव, फर्स्ट टाइम पूजा पहली। इसका फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त है पर ये शारीरिक पूजा है, मन अपने काम में लगा रहता है और शरीर मंदिर जाते हुए आते हुए और उस समय भी स्थिर नहीं हो पाता। दूसरा तरीका है ध्यान योग, आनंद योग, सहज योग, मानसिक पूजा, मन से।
उसमें शरीर तो इन्वॉल्व होता ही है, साथ साथ मन के अंदर ये धारणा रहती है कि हमारा इष्ट हमारे सामने विद्यमान है, और कंसंट्रेशन हमारा जो पहली पूजा है उससे थोड़ा अधिक बनना शुरू हो जाता है। हमारा रास्ता ध्यान योग का दूसरे नंबर का तरीका है, जिसमें मन और शरीर दोनों साथ साथ इन्वॉल्व होते हैं और कंसंट्रेशन हमारा बहुत सुंदर और अच्छा बनता चला जाता है अपने इष्ट के चरणों में। तो सबसे पहली बात कि हमको एक इष्ट का चुनाव करना है, सबसे पहला काम। जो साधक है सबसे बड़ा उसका काम एक इष्ट का चुनाव करना, और वो भी जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा और सुंदर लगता है उसको चुने। कोई वे राम को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई देवी को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं। जो जिसका इष्ट है, 33 करोड़ देवी देवता में अपने इष्ट को चुन लीजिए, जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, बड़े प्यार से बैठिए सुखासन से। वो भी निश्चित कीजिए कि कौन सा आसन सब आपके मन को सबसे सुखदायी लगता है, जिसमें सबसे ज़्यादा सुख हो उस आसन पर बैठें। उसके बाद धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, धूप दीप करें, वातावरण शुद्ध करें, मन प्रसन्न हो। उसके बाद बड़े प्यार से बैठिए, अगर कोई भजन आपको आता है तो गाइए, नहीं आता तो भावना बनाएं। उसके बाद ये महसूस करें कि जो हमारा परमात्मा है, जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना डाली हुई है, जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, उसको ये महसूस करें कि वो हमारे सामने विद्यमान है, आपके सामने सह शरीर बैठा हुआ है। अब वो फोटो में नहीं है, मूर्त में नहीं है, सह शरीर हमारे सामने मौजूद है। ख्याल से उस पवित्र मूर्त को अपने सामने बनाएं, और ये ख्याल करें, बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, आपका जो आपका इस जो आपके आंखों के सामने हमेशा आता है उसको अपने सामने बनाइए, उस पर अपने मन को कंसंट्रेट करिए, उसी को देखिए। ना कोई और शक्ल बने, ना कोई और विचार आपके सामने आए, पर जैसे ही आप ये प्रोसेस शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो आपने जिंदगी में कभी सोचा नहीं होंगे। उन विचारों को हटाएं, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए, फिर अपने विचार को हटाएं, अपने इष्ट की याद में लगिए। अगर आज ये ध्यान करते हुए अपने इष्ट की मूर्त बनाते हुए दिल की हर धड़कन से अपने इष्ट का नाम लेते हुए अगर 100 विचार एक मिनट में आते हैं, तो कुछ समय बाद अगर यही प्रैक्टिस आपने जारी रखी, उन विचारों में कमी आएगी, और उसके बाद एक स्थान एक दिन ऐसा आएगा कि आप बैठे होंगे और आपका इष्ट सामने होगा, ना कोई विचार होगा ना ख्याल, उसमें ऐसे तल्लीन होंगे, ऐसे खोए होंगे, कितनी मन को शांति मिलेगी, जितना मन पर भार होगा वो हल्का होगा, और ऐसी ऐसी समस्याएं हल होंगी जो जिंदगी में आपने सोचे नहीं होंगे कि ये भी हल होंगी। बहुत सुंदर समा होगा, बहुत मन खुश होगा, मन खुश आत्मा खुश, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, समाज खुश, दूसरे हो भाई हैं,
जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम अल्लाह वाहेगुरु, वो नाम को चुने, बड़े प्यार से बैठिए। और ये सुखासन से, और ये ध्यान कीजिए कि हमारे मन से ओम नाम निकल रहा है या जो नाम आपने चुना है वो निकलता है और वाइब्रेट करता है पूरे शरीर के अंदर। उसके वाइब्रेशंस को महसूस करें, उसकी प्रेजेंस को महसूस करें और उसके आनंद से आनंदित होइए। ये पूरा रास्ता ध्यान योग का आनंद ही आनंद का है। बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जैसे जैसे चीज़ें आपको समझ आती चली जाएंगी, वैसे वैसे आपका मन हमारे शरीर के अंदर आनंद, चैतन्यता, खुशी हमारे मन के अंदर ही हमारी आत्मा में है। जैसे जैसे उसकी पहचान होती चली जाएगी, उसके नज़दीक होते चले जाएंगे, आप आनंदित रहेंगे और सुंदर काम होगा, समाज की बेहतरी होगी और बड़ी सुंदर अवस्था आपकी होगी। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही
कदम पर तूने दिया सहारा मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा एहसान पे तेरा अब एहसान हो रहा है एहसान पे तेरे ये एहसान हो रहा है करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है करते हो तुम कन्हैया सब काम हो रहा है मेरा।
श्री मोहन वचनामत भाग 4 परिच्छेद 9 सच्चा जीवन साथी। स्थान 312 अतुल ग्रोव रोड नई दिल्ली सन 1952। जाहि न चाहि कबहु कुछ तुम स्नेह सहज स्नेहु बसहु निरंतरता सुमन सोराउर निज गेहु। समय लगभग 11 बजे का है। श्री प्रेमचंद जी मित्तल प्रसाद के लिए मिठाई फूल पुष्पाहार लेकर पहुंच गए हैं। श्री सदगुरुदेव जी महाराज ने आपको बैत अता फरमाई। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्री सदगुरुदेव जी को तथा पूज्य माता जी को पुष्पाहार पहनाए और बाहर आकर सभी भाइयों को बड़े प्रेम से मिल रहे हैं। उसी समय इस दास के बहनोई साहब श्री शिव प्रसाद जी तथा प्रिय बहन जयदेवी को भी उपदेश अता फरमाया। सब लोग बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं। मालिक की बड़ी दया कृपा है। आज होलिका दहन का दिन है। गेहूं की बालें तथा गन्ने होली में भूने जाने के लिए आ गए हैं। घर की देवियां तरह तरह के खाने का सामान बनाने में व्यस्त हैं। आज छुट्टी है। दिन भर किसी न किसी कार्य में सब लोग व्यस्त हैं। सायंकाल हुआ और सत्संगी भाई बहन आना प्रारंभ हो गए हैं। 7 बजे श्री सदगुरुदेव जी महाराज हॉल में पधारे। सभी भाई एक तक उनकी ओर निहारने लगे। थोड़ी देर में ही वे समाधि में चले गए और आए हुए सभी भाई बहन अनुपम चित्त की एकाग्रता का अनुभव करने लगे और धीरे धीरे आत्मिक आनंद की धारा में गहरे डूब गए। निस्तब्धता का साम्राज्य स्थापित हो गया। सभी भाई बेखुदी के आलम में मस्त थे। लगभग 1 घंटा आंतरिक सत्संग के बाद श्री सदगुरुदेव जी ने आंखें खोली और बड़े ही मधुर कंठ से निम्नलिखित भजन गाया। रहना नहीं देश बिराना है ये संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े घुल जाना है ये संसार कांटे की बाड़ी उलझ उलझ मर जाना है ये संसार झाड़ और झांझर आग लगे बर जाना है कहत कबीर सुनो भाई साधो सतगुरु नाम ठिकाना है। भजन के बाद आपने फरमाया यहाँ पर एक ही नुस्खा हर शख्स को नहीं बतलाया जाता। जिस प्रकार पेटेंट दवाएं जरा सा प्रकृति या रोग के अंतर होने से सबको यक्षा लाभ नहीं करती, इसलिए बुद्धिमान आदमी अनुभवी वैद्य से अपनी दशा कहकर और नब्ज दिखाकर नुस्खा लेकर औषधि खाता है तो जल्दी आरोग्य होता है। दूसरी तरह के वे लोग होते हैं जो अखबारों और इश्तहारों में दवा का नोटिस पढ़कर स्वयं अपनी बुद्धि से दवा का ऑर्डर देकर मंगा लेते हैं। उनको कभी कभी लाभ के बदले हानि हो जाती है। इसी तरह शास्त्रों में पढ़कर या पंडितों से पूछकर लोग योगाभ्यास आदि करने लगते हैं, जिसके कारण कभी कभी ऐसी हानि हो जाती है कि जान के लाले पड़ जाते हैं। यहाँ पर हर व्यक्ति के लिए उसकी रुचि और अवस्था योग्यता और शक्ति के अनुसार अलग अलग उपाय बताया जाता है। इसलिए जो अभ्यास जिसको बताया जाए और जो दशाएं उसमें पैदा हों उनको किसी से ना कहना चाहिए। या तो अपने गुरु से कहें या गुरु ने शिक्षा के लिए जिसके सुपुर्द कर दिया हो उससे कहें, अन्यथा हानि होने का डर है। हानि यह है जिससे कहा जाए यदि उसकी हालत आपसे अच्छी है तो उसको अहंकार हो जाने का डर है और यदि वह नीची श्रेणी में है तो उसे ग्लानि होने का डर है। यदि आपके और उसके अभ्यास में अंतर है तो गुरु में अश्रद्धा हो जाने का डर है कि मुझको यह बतलाया और इनको यह बतलाया, शायद इस पर अधिक कृपा है। तात्पर्य यह है कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे हानि होने का डर है। इसलिए कहा है जोग जुगत तप मंत्र प्रवाहु पूरे तब ही तब करहु दुराहु। इसके पश्चात श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने फरमाया सोच समझ दुनिया झूठी और नाशवान है। यहाँ कोई किसी का नहीं। दादे परदादे जाने कितनी संबंधी यार दोस्त साथी पड़ोसी सब छोड़ छोड़ कर चले गए। यहाँ कोई किसी के साथ सदा नहीं रहा और ना रहेगा। पंछी पग ध्यान यहाँ राम ही सब काम भगवान के चरणों में अच्छी तरह से ध्यान लगाए हुए चलता चलो। यहाँ कोई किसी का नहीं है केवल भगवान का ही भरोसा सच्चा है। वही तेरा सच्चा सहायक मार्गदर्शक मालिक और सब कुछ है।
इधर उधर सहारे के लिए ताका नहीं कि रसातल में गया नहीं। कोई ना काऊ को मीत जगत में सब धोखे की प्रीत। यहाँ आए थे हरि भजन को ओटंग लगे कपास, जिसको देखो स्वार्थ में अंधा हो रहा है और सिंह जो माया की सवारी है होकर सबको खा जाने को तैयार है। अब जरा सोचो समझो तुम्हारा कौन है। सब अपना अपना मतलब पूरा करके चलते बनते हैं, जिस तरह एक गाड़ी के डिब्बे में इधर उधर के बहुत से यात्री बैठ जाते हैं। कोई भले आदमी होते हैं उनके साथ यात्रा करने में आनंद मिलता है, कोई इसके विपरीत जब तक यात्रा करते हैं दुख और कलह का राज रहता है। इसी तरह यह कुटुंबी नातेदार मित्र शत्रु है, अपने असबाब पाप और पुण्य की पोटली लिए हुए जहां तक का टिकट है साथ चले चलेंगे, फिर वियोग अवश्य भावी लाजमी है। मिलत एक दारुण दुख देही, बिछुरत एक प्राण हर लेही। अब तक के जीवन का तो यही अनुभव है, जिस पर सहारा किया वहां उंगली छुड़ाकर भागा और हम दम से मुंह के बल गिरे। अब तू चेत जा और अनाथों के नाथ, असहाय के सहाय, दीनों की बंधु, सबके रक्षक और उदार दया के सागर का सच्चे दिल से सहारा ले। अरे अगर किसी ऐसी ठोकरे खाने से जी नहीं भरा हो तो जैसा अच्छा लगे करता चल। इतने कष्ट और दुख यदि तुझे जागृत करने में समर्थ ना हुए तो और मिट्टी के खिलो। तत्पश्चात दो मिनट के लिए आप आंख मीच कर मौन हो रहे और फिर फरमाया, यदि साधक किसी सदगुरु पर निर्भर ना होगा तो माया मन को अपने रास्ते पर जरूर खींच लेगी और मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य खराब करके उसके जीवन को नष्ट कर देगी। जो चीज पकड़ने की है वह है सदगुरु। सदगुरु पर ऐसा निर्भर होना चाहिए और उस पर प्रेम व भरोसा ऐसा होना चाहिए जिस तरह किनारे अंधा आदमी अपनी लाठी पकड़ने वाले पर करता है और कोई बात उठा नहीं सकता। अभ्यासी को अपने गुरु के साथ हया से और मुर्दा मदस्त गुसल अर्थात जैसे मुर्दा स्नान कराने वाले के हाथ में होता है ऐसे ही रहना चाहिए। जब गुरु गुरु प्रायण देंगे तो वह ऐसे शरण के स्थान और कला में बैठने की हिदायत करता रहे जो डाकुओं और लुटेरों से सुरक्षित हो। यह किला चार चीजें हैं, एकांत खिलवत, नंबर दो मौन खामोशी, नंबर तीन जागना बेदारी, नंबर चार मिताहार कम खाना। साधक का ध्येय मकसद यह भी है कि उसका मन व हृदय साफ और ठीक हो जाए, जिससे मालिक का अनुभव और साक्षात्कार हो सके, उसकी उपासना और सामीप्य कुर्बत प्राप्त कर सके। मिताहार से दिल के खून में प्रकाश पैदा होता है और मानसिक व मायावी गर्मी कम हो जाती है तथा दिल की चर्बी भी दूर हो जाती है। दिल हल्का और मुलायम हो जाता है, जिससे आंतरिक अनुभव और साक्षात्कार होने का मार्ग खुल जाता है। जबकि दिल कड़ा होने से एक पर्दा पड़ा रहता है, जब दिल का रक्त स्वच्छ और हल्का हो जाता है तो शत्रु के मार्ग तंग हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि मिताहार कम खाने से हृदय में प्रकाश हो जाता है, जैसा कि अनुभव से सिद्ध है। जागने कम सोने से ऐसे प्रकाश देने वाले मन और हृदय में और भी जला हो जाती है। मिताहार से भूख से जो प्रकाश पैदा होता है, जागने अर्थात कम सोने से उस प्रकाश में और श्रेष्ठता आ जाती है। मन सांसारिक भावों के बजाय आत्मिक भावों वाला बन जाता है और दुनिया की आफतें, उसकी कल्पित चालें व धोखेबाजी सब ध्यान और अनुभव में आने लगती है। ऐसा अभ्यासी नरक व बैकुंठ, दोजक व बहिष्ट आदि सबसे जी हटा लेता है और तल्लीन होकर संत की ओर ही दिल लगाए रहता है। पेट भर जाने पर जागरण नहीं हो सकता, खाली नींद दिल को मुर्दा और कठोर बना देती है। लेकिन यदि यह सब आवश्यकता अनुसार हो तो आंतरिक अभ्यास और अनुभव ज्ञान व साक्षात्कार करने में सहायक हो सकती है। मौन खामोशी से यह लाभ होता है कि एकांत अवस्था खिलवत नशीनी आसान हो जाती है। एकांत सेवन करने वाले को खाने पीने तथा जरूरी बातचीत करना आदि मना नहीं है, परंतु मौन या एकांत सेवी यदि आवश्यकता से अधिक या दूसरी बातों में फंसेगा तो दिल की बनी हुई ताकत को धक्का लगेगा। जब सुमरन ध्यान व उपासना जिक्र व फिक्र से दिल थक जाता है या जी भर जाता है तो दिल को बात करने से भी आराम व शांति मिलती है। खुलासा यह है कि मौन अवस्था से बुद्धि को बल मिलता है तथा पवित्रता और संयम परहेजगारी आता जाता है।
एकांत से यह लाभ है कि आंख और कान जो हृदय के द्वार हैं रुके रहें और उनके काम दूर हो जाएं, क्योंकि दिल एक हौज की तरह है जिसमें इंद्रियों द्वारा गंदा पानी और कूड़ा करकट गिरता है। इस तरह पर एहतियात करके मेहनत व कोशिश करने का यह मतलब है कि मन का हौज उस खराब पानी से साफ हो जाए और तह में से भी कीचड़ निकल जाए, ताकि इसको खोते हुए असल पानी आनंद तक पहुंच जाए। इसलिए यह चारों चीज किला, ढाल या पना की जगह कही गई है कि जिनसे रास्ते के चोर डाकू दूर होते हैं, और जब वे बातें जो इस राह में मना है हट गई तो अभ्यासी परमार्थ मार्ग में चल पड़ता है। यह ध्यान रहे कि बिना मन की घाटियों के तय किए हुए चलना सफल नहीं हो सकता। वह घाटियां दिल या मन के गुण हैं जो दुनिया की चीजों में ध्यान लगाने से उसमें पैदा हो गए हैं। उनमें कुछ सहज और कुछ कठिन है। यह सब घाटियां धीरे धीरे क्रमशः अपने आप वश में आती जाती हैं, यदि अभ्यास ऊपर कही हुई शर्तों पर शुरू कर दे। इसके पश्चात श्री सद्गुरुदेव जी 2 मिनट के लिए मौन रहे। तत्पश्चात आपने फिर फरमाया, ब्रह्म निर्द्वंद है, द्वंद की दशाओं से मुक्त है, जीव द्वंद अवस्था में रहता है, सुख दुख ज्ञान अज्ञान शुद्ध अशुद्ध आदि दशाएं उसमें होती हैं, जीव में खिंचाव फैलाव है। ब्रह्म में किसी प्रकार की बेचैनी नहीं, क्योंकि उसमें सुख का ज्ञान नहीं है। जीवन की इच्छा में सुख चाहता है और दुख से बचता है। जीव को दुख सुख इसलिए होता है कि वह अंश है और सुख की इच्छा करता है। सुख पूर्ण में है, ब्रह्म पूर्ण है, इसलिए ना तो उसे जीवन की आकांक्षा है, उसमें दुख लेश मात्र को भी नहीं है। ज्ञान में त्रुटि का दोष है, जहाँ ज्ञान होगा वहाँ ज्ञाता और ज्ञेय अवश्य होंगे। यह वह दशा बुद्धिगम्य होगी, ब्रह्म बुद्धि के परे है, अनंत है, वहाँ त्रिपुटि संभव नहीं, क्योंकि वह पूर्ण है, उसमें भ्रम और कल्पना के लिए स्थान नहीं। यह तो जीव में होते हैं जो दोष मुक्त हैं, ब्रह्म को अपने पूर्णता तक का भी ख्याल नहीं है। ब्रह्म में जो गुण है वह केवल जीव की दृष्टिकोण से कल्पित है। ब्रह्म अपने आप को सच्चिदानंद नहीं कहता, ना कर्ता धर्ता मानता है और ना अपने आप को पूर्ण कहता है। जीव ही उसको ऐसा समझकर उसको इष्ट पद मानता है। यदि ब्रह्म कहे कि मैं पूर्ण हूँ तो उसका भाव यह होगा कि उसे अंश की भी समझ है। जब अंश की समझ आ गई तो फिर वह पूर्ण ना रहा, अंश और पूर्ण का द्वंद्वपना उसे अद्वैत और एक कौन कहेगा। जीव में इच्छा इसलिए उदय होती है कि वह अपने को अंश करके मानता है, नहीं तो एकत्व के दृष्टा को सिंधु में बूंद क्यों दिखाई दे। उसकी दृष्टि तो समुद्र के एक अनंत असीम बूंद है जिसमें टुकड़े नहीं है। एक बात तो यह हुई। दूसरी बात यह है कि यदि किसी कारण से किसी बिंदु को अपने भेदपन का ज्ञान हुआ है तो उसे यह भी समझना चाहिए कि हर बिंदु का आधार सिंधु है और वह स्वयं सिंधु से मिला हुआ एक है। जब एकत्व उदय हुआ तो फिर बिंदु और सिंधु की कल्पना कहाँ रही। जीव ऐसा भी नहीं समझता, यदि ऐसा समझ ले तब भी भेद का विचार न सताए। जा रहे हो सब कुछ देखते हुए फिर भी कुछ ना देखे, सब कुछ सुनते हुए भी कुछ ना सुने। एकाग्रता की अवस्था ऐसी घनी हो कि बाहर की कुछ भी बातों का असर ना पड़े। हृदय में केवल परमात्मा की याद हो और सब विकारों से खाली हो। मन और वाणी से दुनिया के काम करें जो ईश्वर ने हमारे जिम्मे दिए हैं। इसके विपरीत जो लोग एकांत में निवास करते हैं परंतु सांसारिक बातों में उनका मन लगा है, ऐसे लोग एकांत में भी बाजार लगाए बैठे हैं। मालिक मिथ्या चरण से बचावे। तत्पश्चात श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कुछ मिनट के लिए मौन रहे तथा फिर फरमाया, ईश्वर को ज्ञान प्यारा है। यह ज्ञान साधारण ज्ञान नहीं है जो विद्वानों का होता है। वह ज्ञान जो उसे प्यारा है वह तो उसकी एक देन है, उसमें अहंकार का लेश मात्र नहीं। वह तो एक प्रेम से भरपूर दशा है, वह गुरुदेव द्वारा प्राप्त होती है। प्राय विद्वान इस ज्ञान से वंचित रह जाते हैं कि जिसके लिए उन्हें हर लोक में घोर पश्चाताप होगा। सच्चा ज्ञानी हर समय परमात्मा की याद में ऐसा मग्न रहता है कि उसके ऊपर बाह्य घटनाओं का कोई भी असर नहीं पड़ता। ज्ञानी भगवान को अत्यंत प्यारा है, ज्ञानी साक्षात उनकी आत्मा ही है। ज्ञानी तवा त्वमेव से मेव मतम गीता, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा रामायण।
ज्ञानी भगवान को किसी हेतु से नहीं पूछते, सब कामना रहित होकर निष्काम भाव से भगवान की उपासना करते हैं। इसी से ज्ञानी प्रभु जी को अत्यंत प्रिय है। वह ईश्वर को ईश्वर से ईश्वर के लिए पूछता है। वह भगवान से प्रेम के बिना नहीं रह सकता, यह उसका स्वभाव है। ध्रुव और विभीषण ने कामना युक्त होकर भगवान की उपासना की, किंतु प्रहलाद ने पूर्ण निष्काम भाव से भगवान की आराधना की, इसलिए प्रहलाद की गिनती ज्ञानी भक्तों में है। क्योंकि समय अधिक हो गया था, सत्संग समाप्त हुआ, सभी सत्संगी भाई आनंद में मग्न हुए अपने अपने घरों को चले गए। रात्रि में होलिका दहन हुआ, जिसमें आपने बड़े ही प्रेम से हिस्सा लिया। बाले तथा गन्ने होली में भुने गए, तत्पश्चात आपके चरणों में गुलाल और अबीर अर्पण किया। आप सबको हृदय से लगाकर बड़े प्यार से मिले और सबको आशीर्वाद दिया। यह हम सब लोगों का परम सौभाग्य था कि होली के अवसर पर आप हमारे यहाँ पधारे हुए थे और हम सब ने यह उत्सव आपकी छत्र छाया में मनाया। प्रातःकाल हुआ और जैसे ही हम घूमकर वापस आए, बच्चों ने पिचकारियां निकाली और रंग फेंकना शुरू कर दिया। लगभग 10 बजे तक सभी छोटे बड़े बाहर निकल आए और एक दूसरे पर रंग फेंकने लगे तथा मिलने लगे। दिल्ली सत्संग के सभी भाई बहन पधारे, सभी आपसे प्रेम से मिले और सभी ने आपके चरणों में गुलाल और अबीर अर्पण किया और होली का रंग खेलने में बड़ा ही आनंद आया। ऐसा होली पर आनंद जीवन में पहली बार मिला। Thank you.
Thank you.